सो गाइस आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द बुलेट 350 जो बिल्कुल बेस वेरिएंट आता है, किक स्टार्ट आता है, उसकी ईएमआई और डाउन पेमेंट के बारे में। कितनी आपके यहाँ मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, क्या आपके यहाँ डाउन पेमेंट आएगी, कितनी आपके यहाँ मिनिमम हर मंथ ईएमआई आएगी, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। कितना आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स देने वाले हैं, प्रॉपर इन डेप्थ बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें, यहाँ पर चाहे ओनिक्स सिल्वर ले लीजिए, यहाँ पर आप ब्लैक ले लीजिए, दोनों का यहाँ पर जो ऑन रोड प्राइस है दोनों बाइक्स का सेम है, वो है 182,000 रुपीज़, मतलब 182,000 रुपये दोनों बाइक्स का एग्जैक्ट यहाँ पर आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बात करें कलर्स के अंदर, कोई भी प्राइस के अंदर डिफरेंस नहीं है, कलर काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर सिल्वर कलर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे पर्सनली ब्लैक कलर से। यहाँ पर मिनिमम सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए, अब मैं आपको बताया तो लगभग आपकी 15,000 से 20,000 रुपये यहाँ पर मिनिमम सैलरी होनी चाहिए यहाँ पर बाइक को ईजिली फाइनेंस कराने के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आपको अपना आधार कार्ड देना होता है, पैन कार्ड देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होती है, अकाउंट पे ही चेक देना होता है। अगर आप यहाँ बिजनेस करते हैं तो आपको करंट 2 साल की ITR की यहाँ पर देनी होती है, और अगर यहाँ पर सैलरीड पर्सन है तो आपको यहाँ पर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। अगर आपका खुद का घर है खरीदा हुआ तो आप बहुत ही ईजिली यहाँ पर बाइक फाइनेंस करा सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिकॉज अगर आपका खुद का रेजिडेंस है यहाँ पर, अगर जयपुर में फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हो तो बहुत ही ईजी हो जाता है यहाँ पर बाइक फाइनेंस कराना। अब यहाँ पर हम सिंपल एग्जाम्पल लेंगे कि भाई आपकी कितनी महीने की आपकी यहाँ पर डाउन पेमेंट होगी, कितनी महीने की ईएमआई आएगी, कितनी आपकी मिनिमम ईएमआई आएगी, कितना मिनिमम डाउन पेमेंट होगा और कितने साल का आप यहाँ लोन ले सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे है, आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से, आपके हर एक चीज़ के हिसाब से ये सब चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आपकी सैलरी यहाँ पर 15,000 से 20,000 रुपये महीना है तो आप यहाँ पर 20% का अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो लगभग 36,500 रुपये का आप डाउन पेमेंट करते हो, मतलब 36,500 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हमारे पास जो लोन अमाउंट बच के आता है वो है लगभग 1,45,500 रुपये, मतलब 1,45,500 रुपीज़ यहाँ पर हमारे पास लोन अमाउंट बच के आता है। इस पे अगर हम 4 साल का लोन लेते हैं, मतलब 48 महीनों का लोन लेते हैं, और हम जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं वो है 8% पर एनम फ्लैट, तो हमारी जो पर मंथ की ईएमआई आएगी 4 साल के लिए वो आएगी लगभग 4,001 रुपये, मतलब 4,001 रुपीज़ आपको 4 साल तक देने होंगे इस शानदार बाइक को खरीदने के लिए फाइनेंस जब भी आप कराएंगे। तो मेरे हिसाब से यार 4,000 रुपये देना एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट है इतनी अच्छी बाइक के लिए, बिकॉज ये काफ़ी बढ़िया और शानदार बाइक है। जिनको पुरानी क्लासिक 350 बहुत याद आती है, मेरे हिसाब से उनके लिए सबसे शानदार बाइक है, बिकॉज ये आपको पूरा ओल्ड क्लासिक 350 वाला फील देगी बाइक, बिकॉज ये बहुत ही शानदार रेट्रो लुक के साथ आती है, रेट्रो फील के साथ आती है। यहाँ पर बाइक के अंदर स्पोक व्हील्स आते हैं, ट्यूब टायर आते हैं, सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम आता है यहाँ पर बुलेट 350 के अंदर। ये बेसिक किक स्टार्ट वाला वेरिएंट है, तो इस बाइक के अंदर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो इलेक्ट्रा वर्जन आता है वो थोड़ा सा महंगा है, लगभग यहाँ पर 1,99,000 रुपीज़ के आसपास उसका ऑन रोड प्राइस आता है। ये बेसिक वेरिएंट है क्लासिक 350 जिसका ऑन रोड प्राइस है 1,82,000 रुपीज़, एंड मेरे हिसाब से यार डे टू डे यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार चीज़ है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में यार बेस्ट इन क्लास बाइक है, हर एक चीज़ आप ले लीजिए, चाहे फ्यूल टैंक ले लीजिए या टायर ले लीजिए, व्हील्स ले लीजिए, इंजन ले लीजिए, सीट्स ले लीजिए, हर एक चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत ही बेसिक एक मैकेनिकल बाइक है, किक से ईजिली स्टार्ट हो जाती है, एंड यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है जब भी आप इस बाइक को चलाते हैं। जो कलर्स में ये बाइक आती है मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है यहाँ पर सिल्वर कलर के अंदर। यहाँ पर इसके ब्लैक कलर भी आता है, ब्लैक कलर के अंदर मुझे लगता है कि यार प्रॉपर बहुत ही ज़्यादा ऑल ब्लैक बाइक हो जाती है। वहीं यहाँ पर सिल्वर कलर अगर हम लेते हैं तो थोड़ा सा एक डुअल कलर में यहाँ पर आपको बाइक देखने को मिलती है। लगभग 14 लीटर का या 13 लीटर का फ्यूल टैंक आता है यहाँ पर, आपको 350cc कैटेगरी का इंजन देखने को मिलता है, 5 गियर्स आते हैं, गियर शिफ्ट्स बहुत स्मूथ है यहाँ पर बाइक के, सीट डेफिनेटली थोड़ी हार्ड है। यहाँ पर सिटी नॉर्मल चलाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप डेली चलाओगे यहाँ पर तो आपको थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड्स पे एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है सीट हार्ड का, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। कंप्लीट हैलोजन हेडलाइट क्लस्टर है, बल्ब इंडिकेटर्स हैं, काफ़ी बहुत ही नॉर्मल एक दिखने वाली बाइक है। बट हाँ, जो लुक आता है यार बाइक का चलते चलते हुए रोड पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, एंड जो भी यार ओल्ड क्लासिक 350 को मिस करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक काफ़ी अच्छी डील है। तो आपको यहाँ पर कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, एंड स्पेसिफिकली आपको यहाँ क्लासिक 350 कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, throttle_98 मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। सो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग माय पार्ट टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।